नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में मध्य प्रदेश के मंत्री एवं उमरिया जिले के प्रभारी मंत्री ओमकार सिंह मरकाम का आगमन हुआ। प्रभारी मंत्री के प्रथम आगमन पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। प्रभारी मंत्री ओमकार सिंह मरकाम शहडोल से लेकर उमरिया पहुंचे, जहाँ जिले के विभिन्न स्थानों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रभारी मंत्री स्थानीय बांधवगढ़ होटल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद कलेक्टर कार्यालय के लिए रवाना हुए। वहीं कलेक्टर सभागार में कलेक्टर अमरपाल सिंह की मौजूदगी में समीक्षा बैठक के दौरान सभी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उसी दौरान प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हम सभी को सरकार द्वारा किए गए जनता से वादों को पूरा करना है एवं जनता की समस्याओं का निराकरण करना है। उन्होंने कहा कि मैं उमरिया में नेता बनकर नहीं आया हूं, मैं यहां का बेटा बनकर आया हूं। जिला वासियों की जो भी समस्या रहेगी उनका निराकरण किया जाएगा। उमरिया में जब मैं आया हूं तो नेता बनकर नहीं आया हूं, उमरिया का बेटा बनकर आया हूं। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि उमरिया में बेहतर हम जितना संभव हो सके करें। पिछले सरकार की एक तो बड़ी गड़बड़ी, जो किसान कभी कर्जा नहीं लिया उसका भी नाम कर्जदार में है, तो ये सामने आ रहा है और हम उसमें समीक्षा करेंगे और गड़बड़ी करने वालों पे कार्रवाई करेंगे। निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार से नियम विपरीत कोई काम ना हो, इसको कभी प्रशासन सुनिश्चितता के साथ रोके और गड़बड़ी है तो फिर आप सब मिलकर करेंगे। पेश है उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट।